मैं उदित भदौरिया, जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष, सभी शासकीय सेवकों के प्रदेश में जो भी शासकीय सेवक हैं, ये इंडिया फर्स्ट जो चैनल है, ये कर्मचारी हितैषी चैनल है और हम चाहते हैं सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें और इस न्यूज चैनल को हमेशा देखते रहें। ये कर्मचारी हितैषी है। हर संवर्ग की कोई ना कोई परेशानी है जो कई वर्षों से लंबित चली आ रही है, चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो। किसी भी सरकार ने कर्मचारियों की कोई भी मांग पूरी तरह से नहीं मानी है। किसी ने अगर मानी भी है तो एक मांग मानी, दूसरी छोड़ दी है। इस समय में कर्मचारियों की लगभग 12 सूत्री मांगे हैं जो लंबित हैं और वो सभी संवर्गों को पूर्ण करती हैं। उसमें हमारी पहली मांग है कि मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का जो पंजीयन निरस्त किया है, इतना बड़ा संगठन था तृतीय वर्ग, उसका पंजीयन सरकार ने निरस्त कर दिया क्योंकि उसमें 5-5 अध्यक्ष थे। तो अगर एक का किया है तो और भी संगठन हैं, राजपत्रित हैं, अराजपत्रित हैं, मान्यता प्राप्त हैं, उनमें भी 2-2, 3-3 प्रांताध्यक्ष हैं तो उनके भी समाप्त करना चाहिए। हालांकि उसके लिए संघ के एक अध्यक्ष जो है तृतीय वर्ग के अरुण द्विवेदी द्वारा याचिका भी दायर की गई, प्रमोद तिवारी द्वारा भी की गई, लेकिन रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी हमारी मांग है 1 जुलाई 2020 से वेतन वृद्धि हमारा अधिकार है और वेतन वृद्धि को तब रोका जाता है जब कोई दंड दिया जाए कर्मचारी को, लेकिन सरकार ने बिना किसी दंड दिए हुई वेतन वृद्धि रोक दी। ये देश में पहली बार हुआ। हालांकि वेतन वृद्धि रोकने का आदेश छत्तीसगढ़ सरकार ने भी किया था, लेकिन तत्काल उन्होंने 27/5/2000 में वो रिलीज कर दिया कि आपदा के समय भी कर्मचारी की वेतन वृद्धि नहीं रोकी जा सकती। इस संदर्भ में हमने वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते को लेकर उच्च न्यायालय जबलपुर में अरुण द्विवेदी, जो समिति जागरूक समिति के उपाध्यक्ष हैं, मैं अध्यक्ष हूँ प्रांतीय, हमने संयुक्त रूप से अपील की है हाई कोर्ट में और उसमें अपील को दायर कर लिया गया है। उसमें मुख्य सचिव महोदय, GAD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वित्त विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पार्टी बनाया है। 21 तारीख की उसमें पेशी है, उसमें भी अरुण द्विवेदी और हम दोनों 21 तारीख को वहाँ मौजूद रहेंगे। लेकिन 4 तारीख को जो हमारी वेतन वृद्धि महंगाई भत्ते को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई थी, और 4 तारीख को शासन को ये मालूम पड़ा कि सुनवाई है, कहीं हाई कोर्ट नोटिस जारी ना कर दे, तो 4 तारीख की रात में राज्य सरकार ने ये घोषणा कर दी कि हम इंक्रीमेंट दे रहे हैं 2021 से। लेकिन 2021 से नहीं, 2020 से ड्यू हमारे एरियर के हमें चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारा अधिकार है, उसका हनन ना किया जाए। तीसरा हमारा है 5% महंगाई भत्ता, अब तो ज़्यादा हो गया, केंद्र के समान हमें महंगाई भत्ता दो। चौथा है हमारा शासकीय सेवकों की पदोन्नति प्रक्रिया। पदोन्नति प्रक्रिया जो है आज तक 2016 से बंद है पदोन्नति। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने जो आदेश दिए थे कि पदोन्नति जिसको भी दी जाए उसको वरीयता के आधार पर दे दी जाए, आरक्षण के आधार पर नहीं, वरीयता के आधार पर। राज्य सरकार जो है उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वहाँ से स्थगन हो गया। तो अब उन नियमों 2002 के नियम को लेकर पदोन्नति नहीं दे सकते, तो नए नियम बना रहे हैं, लेकिन ये राज्य सरकार नए नियम भी वही बना रही है जो पुराने थे, आरक्षण दिया जाए, वही वरीयता के आधार पर करना चाहिए। तो हमारा ये है कि शासकीय सेवकों को पदोन्नति दी जाए, जो स्थायी कर्मी हैं प्रदेश में उनको नियमित कर दिया जाए, क्योंकि स्थायी कर्मियों की संख्या भी ज़्यादा है, 1.5-2 लाख करीब है, उनको नियमित कर दिया जाए। कई वर्षों से वो लगातार सेवा दे रहे हैं लेकिन उनको नियमित नहीं किया है। दूसरा है 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के बाद शासकीय सेवक को पूरी पेंशन की पात्रता हो, अभी 33 वर्ष के बाद पूरी पेंशन की पात्रता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं 25 वर्ष की, अनुकंपा नियुक्ति से जो लोग आते हैं उनको 33 वर्ष नहीं हो पाते शासकीय सेवा में, तो उनको पेंशन कम मिलती है। तो ये भी हमारी एक मांग शासन से है सभी कर्मचारियों को। शिक्षकों को वेतनमान के अनुरूप पदनाम दे दिया जाए, जो शिक्षक सहायक शिक्षक से जो भर्ती हुए वो सहायक शिक्षक से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 30 वर्ष की सेवा के बाद अगर कोई शिक्षक उसी पद से सेवानिवृत्त होता है तो बड़ा दयनीय विषय है और सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। शिक्षक जो है पहली सीढ़ी होता है, देश की प्रदेश की नेताओं का सबका गुरु होता है, अगर आप उन्हें पदोन्नति नहीं दोगे तो सहायक ग्रेड 3 से सहायक शिक्षक से भर्ती हुआ उसी से रिटायर हो रहा है, बड़े शर्म की बात है। ये भी हमारी मांग है। और प्रदेश के नगरीय निकायों में, नगर निगम नगर पालिकाओं में जो विनियमित कर्मचारी हैं, नियमित हुए ही नहीं कभी, उनको नियमित किया जाए। अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों को लेकर कांग्रेस सरकार में भी, बीजेपी सरकार ने भी इन लोगों ने सभी से मांग की। कांग्रेस के सरकार में तो आंदोलन भी सजानी पार्क में हुए
वहाँ बड़े बड़े नेता भी आए, उनने आश्वासन दिया, लेकिन अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों को आज तक नियमित नहीं किया गया। सारे नेता आए लेकिन झूठ बोल के चले गए। दूसरा है हमारा पेंशन बहाली, जो 2005 से पेंशन प्रथा बंद कर दी है सरकार, उस पेंशन प्रथा को खोले। हम ये नहीं कह रहे मध्य प्रदेश सरकार को, तो पूरे देश में लागू है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र में एक ही सरकार है, ये लोग आपस में सामंजस्य बैठाएं। इससे इनको ये फायदा होगा कि वो बुजुर्ग हर गांव में हैं, वो तुम्हारे वोटर भी हैं भाई, सरकार को भी वोट देते हैं, अगर सरकार करेगी तो उनके वोटर बनेंगे वो। ये भी एक मांग है। प्रदेश के शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष कर दी जाए, आज 62 वर्ष है। 65 इसलिए कर दी जाए कि आप नई भर्ती देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास, पुराने लोग रिटायर होंगे, किसी को 20 लाख किसी को 40 लाख कहाँ से दोगे। इससे अच्छा है कि वो जो वेतन दे रहा है एक साल दो साल तीन साल बढ़ा दो, 65 साल कर दो। जो डॉक्टर और नर्स है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ये अनुभवी होता है, जैसा अभी कोरोना हुआ बड़ी सेवा की डॉक्टरों ने नर्सों ने, ये अनुभव वाले लोगों को 65 से इनकी आयु 68 कर दो रिटायरमेंट एज, ये भी हमारी एक मांग है। और प्रदेश के समस्त संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, जो संविदा पे हैं उनको नियमित कर दिया जाए। एक आउटसोर्सेज से आए हुए कर्मचारी भी हैं, जो आउटसोर्सेज में है किसी को 8,000 किसी को 7,000 मिलते हैं, इनको भी नियमित किया जाए, ये हमारी मांगें हैं। लेकिन सरकार आज तक किसी मांग पर विचार नहीं कर रही है। चूँकि जब हम न्यायालय में गए तो न्यायालय में जाने के बाद जब पेशी पड़ी है 4 तारीख की, तब सरकार ने संज्ञान में लिया। हालांकि हमारे समिति के संरक्षक अरुण द्विवेदी, हमारे संयोजक प्रमोद तिवारी, हमारे मित्र शिक्षा विभाग से सुभाष शर्मा, सतीश शर्मा, सुभाष सक्सेना, ये सभी लड़ रहे हैं इसके लिए, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। तो हम चाहते हैं सरकार के पास पैसे की कमी है या नहीं है ये हमें नहीं मालूम। अगर इनके पास सरकार के पास पैसे की कमी है तो फिर इनको विधायकों के, सांसदों के, मंत्रियों के वेतन और भत्ते भी नहीं बढ़ाना चाहिए अगर सरकार के पास पैसा नहीं है। तो ये तो अपन कैसे मान लें पैसा नहीं है, सारे शासकीय विभागों में भुगतान हो रहे हैं, राज्य सरकार कहाँ से कर रही है? अगर पैसा नहीं है तो भुगतान रोक दिए जाए। तो हम ये चाहते हैं कि 18 अगस्त से हमारा प्रदेशव्यापी आंदोलन है, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, अनुशासन में करेंगे, आचार संहिता के अंतर्गत करेंगे। सरकार अगर नहीं चेतती है तो 8 सितंबर को फिर आंदोलन है और 22 सितंबर को फिर है। तो पूरा कर्मचारी जगत इस समय राज्य सरकार से नाराज है। हालांकि मुख्यमंत्री जी जो है उनके संज्ञान में हम लाना चाहते हैं, माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और वो चाहते भी हैं, कर रहा है ऐसा जो सूत्रों से पता चलता है, लेकिन राज्य सरकार के कुछ अधिकारी वो इसमें अड़ंगा डाल देते हैं। राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो ये भ्रमित करने का काम करते हैं। ये वो अधिकारी हैं राज्य सरकार में बैठे हुए, सामान्य प्रशासन विभाग के, वित्त विभाग के जो अधिकारी हैं, अधिकारी सभी अधिकारियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम उन अधिकारियों की बात कर रहे हैं जो वित्त विभाग व सामान्य प्रशासन में बैठे हैं, वो गलत ढंग से ट्रीट करते हैं, कर्मचारी का कभी फायदा नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी का हम ये नहीं कह रहे, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। हम उनसे निवेदन करते हैं कि कर्मचारी आपका अंग है, आप कर्मचारियों की मांगों को 18 अगस्त से पहले पूरा करने का प्रयास करो, कर्मचारी हमेशा आपके साथ है, वो किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं होता। अरे IAS अधिकारी, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो अधिकारी GAD में बैठे हैं, जो फाइनेंस में बैठे हैं, ये लोग तो मिसगाइड करते हैं, इन्हीं के कारण ये नहीं हो पा रहा है। अगर ये लोग सही प्रारूप बना के सरकार के सामने प्रस्तुत करें, काम क्यों नहीं होगा भाई? वो तो शुरू से चला आया है छोटे वर्सेस बड़े, कभी बड़ा नहीं चाहता कि छोटे छोटे भी कुछ भला हो जाए इनका। भाई आप क्या करते हो, कर्मचारी को क्या लेना देना है? लेकिन कर्मचारी का कहीं 2 रुपये का भला हो जाए तो अधिकारियों से हम निवेदन करते हैं, आप लोग भी मदद करो। शासकीय सेवक छोटा होता है लेकिन वोटर बड़ा तगड़ा होता है। हर गांव में जो शासकीय सेवक होते हैं वो सत्ताएं पलट देते हैं, और जब जब भी देश में या प्रदेश में कहीं भी चुनाव हुआ है, लगभग शासकीय सेवकों के कारण ही सरकारें पलटी गई। ये गारंटी है कि कर्मचारी पूरे प्रदेश का एक है। हम कर्मचारी नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, कर्मचारी नेताओं में मतभेद हो सकता है, लेकिन कर्मचारी शासकीय सेवकों की मांग पर हर नेता भी, कर्मचारी नेता भी सहमत है। ये हो सकता है कि वो समर्थन खुलकर ना करे, लेकिन ये भी बात पक्की है कि कोई विरोध नहीं करता कर्मचारी की किसी भी मांग का, कोई भी कर्मचारी नेता कभी विरोध नहीं करता। साइलेंट हो सकता है, आपसी मतभेद के कारण हो सकता है। दूसरा, आपने जो कहा अधिकारी, तो अधिकारियों का तो काम है कि आपस में फूट डालने से शासन का भला होगा, सरकार का भला होगा, वो तो ही चाहते हैं। लेकिन कर्मचारी पूरे प्रदेश का एक है, वो सारे कर्मचारी नेता भी एक हैं, क्योंकि कर्मचारियों की मांगों पे सभी इसका समर्थन। नहीं,
नहीं, कर्मचारी संगठनों का दबाव नहीं कहा जाए, ये कर्मचारी का हक है भाई, वेतन वृद्धि देना हमारा आचरण नियम संहिता में लिखा हुआ है, कर्मचारी आचरण संहिता जो उसमें लिखा हुआ है, वेतन वृद्धि हमारा अधिकार, महंगाई भत्ता हमारा अधिकार है, शिक्षकों को जो सहायक शिक्षक हैं आज तक 30 साल से हैं, क्या वो ये मांग नहीं कर सकते कि हमें पदोन्नति दी जाए, आप पद वेतनमान के अनुरूप पदनामी दे दो, तो मांग करना हमारा अधिकार है। कोरोना की जो आपने बात की, अगर कोरोना है तो पूरे देश में है या प्रदेश में, तो वो सिर्फ कर्मचारी पर ही लागू है या सभी पर लागू है? कर्मचारी की वेतन वृद्धि महंगाई भत्ता रोकने से क्या कोरोना में आपको आर्थिक मदद मिल जाएगी? राज्य सरकार जो है वो जिस दिन चाहे ले कर सकती है, और अगर कोरोना में आपदा आर्थिक आती है तो फिर ये विकास कार्य कैसे चल रहे हैं? सांसद विधायकों मंत्रियों के जो आप वेतन भत्ते बढ़ा रहे हो, वहाँ कोरोना क्यों नहीं लागू हुआ? क्या कर्मचारी के इंक्रीमेंट और महंगाई भत्ते भी लागू हैं?